ये तो सचमुच गया दीना काका से बात करने। दीना नहीं मुन्ना, खबरदार जो बाल की खा लिया ऐसा कुछ बोला है तो दिमाग ही काम नहीं कर रहा। पता नहीं अभिषेक क्या सोच रहा है। कृपा कर दादा, गाना सुनाइए अब गाना। अजू नहीं आपने, मैं कविता बनाता हूँ महेंद्र भाऊ के अंदाज में। सुनिए, जीवन तो है मौका जो आता है एक बार एक बार एक बार, जीवन तो है चौका जो निर्मित ने मारा कह के हाँ यार हाँ यार हाँ यार। तो दुकान मौका एक हुए, मकान धोखा एक हुए क्या? एक मिनट केशव, लेकिन निर्मिति ने अभी तक अपनी शर्त बताई नहीं है। अरे तो बता देगी ना प्रभाकर दादा, और वो बता के क्या बताएगी। हाँ केशव, मुझे ना मस्त सोने का हार ला के दो। या बोलेगी नहीं केशव, मुझे ना मस्त वाली साड़ी ला के दो, लेकिन लॉन्ड्री से मत लाना, हाँ सच्ची वाली दुकान से खरीद के लाना। ऐसी कोई तुच्छी सी शर्त रखेगी उसमें कौन सी बड़ी बात है। चलो बच्चों, निर्मिति चल, मैं भी तैयार हूँ तेरे साथ, मुझे भी तेरे साथ आना कबूल है। वहिनी ऐसे टाइम पे भी ऐसे इशारे करेंगी आप? अच्छा बताइए, आना कबूल है मैं आप ऐसे क्यों चली आप? अरे वो अपनी गली के नाके पे डिमेलो बेकरी है ना, उसकी मालकिन आना वो ऐसी ही तो चलती है हाई हील्स पहन के, तो ये आना कबूल है में से आना का इशारा था। मुझे भी तेरे साथ आना है। अरे वाह बच्चों, मम्मी के साथ कहा दिवाली वेकेशन? अच्छा अच्छा घूम के आओ, लेकिन मम्मी को परेशान मत करना। हा? अरे निर्मिति, तुमने अपनी शर्त के बारे में तो बताया नहीं मुझे। केशव मैं बच्चों को लेकर के मायके जा रही हूँ, वापस नहीं आने के लिए। अरे कोई बात नहीं, आओ घूम के आओ ना, और वैसे भी बहुत दिन हो गए तुम अपने मायके नहीं गई है ना, तो जा घूम के आओ। लेकिन बच्चों को आप शायद मेरी बात समझे नहीं केशव, मेरी यही शर्त है, अगर आपने काका की शर्त मंजूर कर ली तो आप दोनों बंडिया मेनका उज्ज्वला और मंदार की शक्ल कभी नहीं देख पाएंगे। नहीं, मैंने कहा ऐसा कुछ बोला है? मेरी तो सुबह ही नहीं होती इन बच्चों की शक्ल देखे बिना। तो मंदार के पापा आप भी चलिए हमारे साथ निर्मिति के मायके। हाँ चलो चलो। देखा काका देखा, आपके कपटी विचारों का परिणाम आपके कठोर हृदय को। मंदार गप्पा बस, केशव जल्दी बताइए आपको मेरी शर्त मंजूर है या मैं। अरे निर्मिति ऐसी कोई शर्त रखता है क्या? ए उज्ज्वला बड़ा मम्मी को समझा ना, इस बात पे हमारा फायदा है। सॉरी पापा, इसमें मैं मम्मी के साथ हूँ। अगर आपने मुन्ना अजूबा की ऑफर मान ली तो हम सब जा रहे हैं मम्मी के साथ। अब जल्दी बताइए आपको शर्त मंजूर है या नहीं। एक बार मैं अपनी शक्ल आईने में देखना पसंद ना करूं, लेकिन तू तो मेरा आने वाला कल है बाड़ा। आने वाले कल की शक्ल ना देखना मतलब अपनी मौत को देखने बरोबर है। वाह, एक मिनट, ये तो जयंत भाव की फिल्म कुत्ता मेरा पति सास जलाए अगरबत्ती उसकी लाइन है ना। लेकिन अभी बोला तो मैं ना। शाबाश निर्मिति, शाबाश।
मुन्ना भाऊ के फेंके हुए जाल से केशव को बाहर निकाल के लाई तू, अपने केशव को। मुझे तो लगा था ये तो पूरा का पूरा फंसेगा ही फंसेगा। तो भाई 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 सासू भाई, आपको देखना चाहिए था जब निर्मिति बोली ना, केशव जिंदगी भर उज्ज्वला का चेहरा देखने नहीं दूंगी अगर मुन्ना काका के साथ हाथ मिलाना है तो। केशव भाऊ जी एक सेकंड में लालच भूल गए। हाँ मेरी रानी, पूछ ले पूछ ले। अरे आज तो मैं भी इशारा करूंगी तेरे लिए मेरी बहू। वाह निर्मिति भाभी, आज तो आपके डबल मजे हैं। हाँ पहले पहले तो भारती बहनी आप बताइए कि एक सेकंड का इशारा से भागना कैसे। अरे अपने प्रथमेश भाऊ उनकी बेटी दीपा, हाँ वो स्कूल की रेस में ऐसी ही तो दौड़ी थी ऐसे। हाँ तो वो सेकंड आई थी तो ये सेकंड का इशारा था। अच्छा भाई आप बताइए क्या आपने बहू का इशारा ऐसे ऐसे तीखा लगने का इशारा क्यों किया? क्यों हमारा थाली पेट खाके उस दिन उर्मिला वहीनी बहुत ही खुचे ऐसे नहीं हाथ हिला रही थी तो ये उसमें से बहू का इशारा था। वाह 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 वाह, क्या मस्त ऑब्जर्व किया आपने मेरी मम्मी को। वैसे एक बात बता दूं, अब मेरी मम्मी जाहिली नहीं जलाए। अगवाई मंजे मतलब मम्मी को पता चल गया है कि मुन्ना काका ने केशव भैया और प्रभाकर भैया को फंसाने की कोशिश की थी। वो बेचारे तो गए 12 के भाव में। अब खूब जमेगा धंधा और अव्वल आएगा नतीजा जब हाथ मिलाएंगे काका और उनका फेवरेट भतीजा। वाह अभिषेक वाह, अरे 100% सही बोला अभिषेक, 100% सही बोला रे। देखना ये दुकान कहाँ से कहाँ जाएगी। अबे ये दुकान तो जहाँ है ना वहीं रहेगी, सिर्फ कस्टमर्स की लाइन यहाँ से वहाँ जाएगी, समझे मुर्गा काका। मेरा नाम मुन्ना है, मुन्ना काका। हाँ भाई यही बदू सेम, अबे अभी रिश्ता तो वही रखा ना मैंने, तो क्या बाल की खल निकालने बैठ जाते हो। पर तू अभिषेक तुझे शर्म नहीं आती अन्ना भाई की दुकान पर इनके साथ खड़े रहते हुए। ए महेंद्र अच्छा हुआ सही समय पे, इधर आइए, जाइए डिवोर्स पेपर्स लेकर आइए। हैं? हाँ हाँ, अब अलग होने के अलावा और कोई चारा ही नहीं है महेंद्र। अरे लेकिन उर्मिला मैंने क्या किया है, अचानक डिवोर्स क्यों? क्यों? अरे हमारा डिवोर्स नहीं तो ये अभिषेक और गायत्री का डिवोर्स करवाना है और उसके बाद हमारी गायत्री की हम दूसरी शादी करवाएंगे किसी अच्छे लड़के के साथ। उर्मिला उर्मिला गायत्री को जो फैसला लेना है वो खुद लेगी अभिषेक का व्यवहार देखकर। और अभिषेक हम तेरे साथ नहीं है ये याद रखना तू। सॉरी पापा, लेकिन मैं भी आपके साथ रहकर खुद को साबित नहीं कर पाया, हमेशा मुंह के बल गिरता रहा हूं। आज काका के कारण इतना अच्छा मौका मिला है मुझे। ए, ए, सुना क्या है बाल की खाल, सुना क्या सुनो, बोल बोल। तो इसका पूरा लुफ्त उठा के रहूंगा मैं और अपने आप को सही साबित करके दिखाऊंगा। पापा इस बार मैं कह रहा हूं आप लिख लीजिए टेक इट फ्रॉम मी। वाह 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 वाह, बराबर एकदम सही बोला है मेरा भतीजा। अब देखना मैं इस दुकान पर बैठकर तरह तरह के स्कीम सोचूंगा और ये मेरा भतीजा दिन रात कड़ी मेहनत करके इस दुकान को कहां से कहां पहुंचाएगा। कर लगा है? काका 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 कर लो कर भतीजे। भारती भाभी चुपचाप से ये पी लीजिए, गला बैठ गया है ना आपका, पी लीजिए ना काढ़ा पीजिए। गायत्री ऐसा काढ़ा अभिषेक को भी जाके पिला क्योंकि भारती का तो गला बैठ गया है लेकिन वो तो पूरा का पूरा बैठ गया है, उसकी सोच उसकी आत्मा सब कुछ बैठ गया है उस मुन्ना की गोद में। अर्णाम, अर्णाम। अर तू क्या अर्णा अर्णा करके शांत करने लगी तेरी आई की तरह। वो भी किधर भी हो किधर भी हो मैं थोड़ा भी नाराज होता हूँ तो तुरंत आहो आहो शुरू कर देते है। आहो मैं शांत ही हूँ, देखा ना देखा ना, अभी अभी वो इधर है भी नहीं फिर भी उसका आहो आ गया रॉकेट में बैठ के। मेरी बात सुनिए ना, मुझे पता है कि अभिषेक ने मुन्ना काका से हाथ मिलाकर दुकान में एंट्री मार ली है
ताकि रुक रुक अभी अभी इसको कुछ बोलना है। क्या है अभी खाने में क्या बनाऊ बना दे ना कोई दाल चावल बना दे और कोई भी सब्जी बना दे। बराबर लेकिन अन्ना का इशारा देख कैसे किया। क्या है अभी सब्जी कौन सी बनाओ सब्जी कौन सी बनाएगी कौन सी ताला चाबी ऐसी कौन सी सब्जी। लैंग्वेज चेंज भाषा बदलने भाषा बदली है भाषा बदली कौन सी इंग्लिश अंग्रेजी 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 इंग्लिश में ताला चाबी को क्या कहते हैं लॉक एंड की लॉक की लॉक लॉक की लॉक की लॉक की लॉक लॉकी लॉकी। भारती भाभी पूछ रही है सब्जी में लॉकी बनाए लॉकी हाँ लॉकी की सब्जी बना बराबर। लेकिन अन्ना अभी क्या है लॉकी तू खुदकुशी कर ली लॉकी ने लॉकी खत्म हो गए लॉकी खत्म हो गए। अच्छा हुआ खत्म हो गए तो अभी अभी कौन सी सब्जी बनाएगी तो तू एक काम फूल गजरा गजरे की सब्जी बनते गाजर गाजर फूल फूल गोभी फूल गोभी फूल गोभी फूल गोभी की सब्जी बना बराबर। लेकिन अन्ना अभी क्या है फूल गोभी इधर फूल गोभी इधर फूल गोभी इधर ऐसे कैसे भाषा बदली कौन सी भाषा अंग्रेजी 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 फूलगोभी इधर आको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं इधर आको इंग्लिश में बोलते हैं कम कम फूलगोभी कम कम फूलगोभी कम कम फूलगोभी कम कम अभी तुम मत बोलना फूलगोभी कम है फूलगोभी कितनी अच्छी है कम है बेचारी। तो तू आलू की सब्जी अभी आलू का इशारा कैसे करूं ओ ओ ओ अन्ना आपने बोल दिया ना तो इशारा करने की क्या जरूरत है। भारती भाभी बोल नहीं सकती लेकिन सुन तो सकती है ना सुन सकती है बरोबर है सुन सकती है ना तू हां तो आलू की सब्जी बना जा बरोबर बराबर। लेकिन अन्ना फिर से बोली लेकिन अन्ना हाँ क्या हो गया अभी कुल्फी कुत्ता कुत्ता कुल्फी खाता है चाट ऐसे चाटते क्या है चाट 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 आलू चाट कैंसिल अच्छा आलू चाट कैंसिल चाट चाट बरोबर है फिर दूसरा शब्द क्या है साड़ी घुटने घुटने ओके इंग्लिश घुटने को इंग्लिश में क्या कहते हैं नी चाट पहला शब्द चाट दूसरा शब्द नी चाट 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 चाट चटनी चटनी। अरे वाह 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 मेरी छकुली कितना अच्छे से इशारा समझाती है कितना मजा आया आज परेशान होने में मुझे अभी है ना हमेशा ऐसे ही ऐसे ही। अन्ना आप मेरी बात सुनिए ना तो अभी तो जा लेकिन अभी हमेशा ऐसे ही इशारे से समझ गए ना। अन्ना मैं ये कह रही थी कि अगर अभिषेक गोखले बंधु में जाकर बैठा है तो ये तो गुड न्यूज है ना गुड न्यूज क्या कैसे क्या मुन्ना काका की गोद में जाकर बैठा है अभिषेक तो अब हम उसे ऐसी मात देंगे कि कभी खड़ा ही नहीं हो पाएगा। अब हम लोग बंगाली मिठाइयां बेचेंगे बंगाल महाराष्ट्र का हिस्सा था लेकिन
बंगाली मिठाई बनाने को आता किसको है? आप मेरा प्लान तो सुनिए ना। हो गया। ये लीजिए रमीला भाभी। थैंक यू। थैंक यू क्या थैंक यू? थैंक यू तो आपका, जो ग्राहक बनके नियमित हमारी दुकान पे आती रहती हैं। और देखिए, दिवाली खत्म हो गई फिर भी मैंने आपको डिस्काउंट दिया है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। आते रहिएगा। थैंक यू रमीला भाभी। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। कोमिला चली गई तो अब रमीला रमे छे तुम्हारा मन मा? तेरा दिमाग ना, तेरे दिमाग का पोस्टमार्टम करेंगे ना तुम। ऐसे ऐसे माँ ऐसा करके कूद पड़ेगा वो डॉक्टर। क्यों? क्योंकि तेरे दिमाग के अंदर से वो पॉपकॉर्न की तरह शक फूटेगा ना, थार, थार, थार। ऐसा करके तो वैसे इतना मुस्कुरा कर दिवाली के बाद भी 40% डिस्काउंट दोगे वो रमीला को तो? अरे तो रमीला के साथ रासलीला करने थोड़ी जा रहा हूँ मैं। जो भी हालात को समझ उर्मिला, अपना अभिषेक गद्दार निकला। सही बात है महेंद्र, और पार्टनरशिप कर ली उसने, बोलो, वो भी वो मुन्नी काकी के साथ। मुन्ना काका काका भाभी भाई सेम अवे, अभी काका का काकी ही किया ना मैंने थोड़ा, तो उसमें क्या बाल की खाल निकल रहे हैं। अरे तूने नर से मादा कर दिया तो मुझे ना सही, लेकिन मुन्ना काका को तो प्रॉब्लम होगी ना। महेंद्र वो नर नहीं है, है? वानर है, वानर बोलने, वो अफ्रीका का बबून है, बबून नहीं, बबून नहीं, बबून चिंपांजी, चिंपांजी नहीं, चिंपांजी नहीं, वो अपना कांगो का गोरिला है, गोरिला है, गोरिला, ऐसे छाती कूट कर राजा बन के बैठ गया और अपना अभिषेक गोरिला भगत बन गया, बोल। और वहां गायत्री घुट घुट के मर रही होगी। तुझे नहीं पता उर्मिला, अभी ये अभिषेक है क्या? दुकान देख, दुकान शाम के 6:30 बजे दुकान बंद। दुकान बंद करके मुन्ना काका की फरमाइश पर अपना अभिषेक तमाशा देखने गया, तमाशा सुगंधा रानी बाई का। मुन्ना काका कहाँ थे आप? 12:30 बजे, 12:30 बजे अभी कब से फोन ट्राई कर रहा हूँ मैं आपको। क्या करूँ अभिषेक बेटा, मैंने होटल वाले को बोल दिया था कि उसे मुझे 8:30 बजे जगाना है। हाँ। लेकिन वो समझा मुझे उसे 8:30 बजे जगाना है। मैं उसे क्यों जगाऊंगा बोलो, मूर्ख गुणी करता। काका आप लेट आए तो आए ठीक है, लेकिन इतने रिलैक्स कैसे हो सकते हैं आप? मैं तो रिलैक्स ही रहता हूँ सुबह जागने के बाद, दोपहर को थोड़ा सुस्त हो जाता हूँ और शाम को मस्त। काका हमारी सारी मस्ती छू होने वाली है। क्यों? क्योंकि गायत्री और अन्ना वाड़े पे स्पेशल बंगाली मिठाई का काउंटर लगा रहे हैं और पोस्ट दिवाली 30% ऑफ भी दे रहे हैं। क्या कह रहे तू? हाँ, खुद का नुकसान करके भी हमारा धंधा चौपट करने पे तुले है वो दोनों। 30% ऑफ अभिषेक, 30% ऑफ? क्या हलवा है क्या? हाँ हलवा भी है, लेकिन साथ में बंगाली मिठाई भी है, यानी कि संदेश चमचम, राजभोग रसगुल्ले, ये सब भी है। उनके पास अभी तक मिठाइयां पहुंची भी नहीं फिर भी ऑर्डर ले रहे हैं, और लोग ऑर्डर दे भी रहे हैं लाइन लगा के। ऐसा है क्या अभिषेक? तो एक काम कर, लिख बंगाली मिठाई पे 50% ऑफ लिख। क्या कह रहे हैं आप काका, 50% ऑफ? हाँ। कहाँ जा रहे हैं आप पहले बताओ तो सही। पुणे की सर्वश्रेष्ठ बंगाली मिठाई खरीद ले, यहाँ से 2 घंटे की दूरी पर एक जबरदस्त बंगाली बाबू बैठता है, उससे हम सारी मिठाई लेंगे और यहाँ पे बेचेंगे। उससे हुआ क्या, अन्ना के सारे कस्टमर यहाँ पे आएंगे। मैं अब भी गया, 2 घंटे में अब भी आया। अगवाई बंगाली मिठाई पे 30% हो, लेकिन गायत्री हमारे दुकान में तो बंगाली मिठाई है ही नहीं, तो बंगाली मिठाई के नाम पे हवा हवा हवा।
गायत्री ये क्या 30% ऑफ ऐसा बोर्ड क्यों लगाया मेरी मर्जी के विरुद्ध हाँ और वैसे भी हमारी दुकान पे ना ही बंगाली मिठाई है ना ही कोई मिठाई खरीदने वाला लेकिन मिठाई नहीं होगी तो खरीदने वाला कैसे होगा अन्ना तू भारती है ना अमोल बनने का प्रयत्न मत कर मुझे भी पता है वो तो इसीलिए तो मैं शिकायत कर रहा हूँ भारती भाभी अन्ना अंदर दुकान में बंगाली मिठाइयाँ भी होंगी और मिठाई खरीदने वाले भी होंगे मेरे पापा की भाषा में कहूँ तो आप लिख लीजिए टेक इट फ्रॉम मी बजी नहीं बजा